अरे बेटिया भी हलाजी पापा महलिया कोयला हो सुनावा। अजी काचे अमवा तुड़लाए पापा बगैचा कोयला हो सुनावा। मामी से बोल बाती या अब मामी होई है सा पनावा गे बे। अरे सा तो घरवा तकी हाय पापा सा तो में है रे पुतो ही। आते चुके से पोस के से यान कनिये पापा जी जांघे बाई ठाके धियावा दान कनिए पापा जी। कलाकार आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन भाई बहन की जुगलबंदी और भाई बहन की जोड़ी कलाकारी में शायद कभी देखने को मिला होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। आज हमारे पास दो कलाकार ऐसे हैं जो भाई बहन हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। इनके जो गाने मैंने देखा है बहुत अच्छा लगा गाना इनका। दोनों भाई बहन मिलकर के बहुत पारंपरिक गीत गाते हैं, असली गीत नहीं गाते हैं, और गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए पारंपरिक गीत इनका बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल का। सर थैंक यू। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा नाम सिंगर राहुल स्मार्ट है और मैं बिहार से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मेरी छोटी बहन सिंगर सुष्मिता पासवान, और काफ़ी हम लोग मिल के पारंपरिक गीतों को हम लोग लाते हैं बीचों में। सबसे पहले जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है सबको एक बार गौर छुके मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। सुष्मिता पासवान। चलिए हम चाहेंगे कि जिससे पहचान है आप लोगों की, गायकी से पहचान है, लोग आपकी गायकी देखना चाहते हैं, उस गाने को दोनों भाई बहन मिल करके सुनाएंगे आप लोग। ठीक है सर, दो चार लाइन सुना देता हूँ। हज काचे अमवा तुड़लाए पापा बगैचा कोयला हो सुनावा। हज काचे अमवा तुड़लाए पापा बगैचा कोयला हो सुनावा। अरे बेटिया भी हला जी पापा महलिया हो सुनावा। अरे धिया वाबी यहला जी पापा महलिया कोयला हो सुनावा। अरे सा तो घरवा तकी हाय पापा सा तो में है रे पुतो हिया। रसोईया घरवा तकी हाय पापा फाटा है हो कारे जावा। क्या बात है, जुगलबंदी गजब का। आपने मेल फीमेल का गाना आप लोगों को सुना होगा, जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आते हैं, लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी बहुत ही अच्छा लगा हमें। और शायद हमें लगता है कि मतलब म्यूजिक में म्यूजिक साथ ही लोग बहुत गाना गाए हैं, हमें लगता है कि हम पहली बार इनका इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि प्लेन बिना म्यूजिक का गाना, और इतनी अच्छी आवाज़ शायद आप लोग को नहीं मिला होगा। और इसी तरह के कोशिश करते हैं हम लोग कि इनसे और कुछ गाना गवाया जाए जो दोनों का गाना होगा। आप लोग और गाना सुनाएंगे। अच्छा सर। पापा के कोठा चढ़ी घूम लगे बेटी, पापा के कोठा चढ़ी घूम लगे बेटी। हाजू कोठा होई तो सपना वागे बेटी, हाजू कोठा होई तो सपना वागे बेटी। मामी से बोल बातिया लागे बेटी, मामी से बोल बातिया लागे बेटी। अब मामी होई है सा पनावा गे बेटी, अब मामी होई है सा पनावा गे बेटी। हम चाहेंगे कि राहुल जी आप लोगों ने ऐसे कैसे सोचा कि हम लोग यही इसी फील्ड में और इस क्षेत्र में
जो सामाजिक गाने होते हैं, पारंपरिक गीत होते हैं, उसको कैसे चुना आप लोगों ने? क्योंकि सब लोग असली गाने गा करके वायरल हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो एकदम अश्लीलता के सारे हद पार कर चुके हैं, क्या करना चाहेंगे? ये तो मार्केट में देखने को मिल रहा है और मतलब काफ़ी लोग देखे भी होंगे जिस टाइप के गाना चल रहा है, उस काफ़ी विवाद में गाना लोग रहता है। तो मेरा शुरू से सोच था, मेरे पापा मेरी मम्मी जो मेरा मैं आदर्श मानता हूँ, उनको आइडियल पर्सन मानता हूँ, उनका शुरू से मेरा सोच था कि बेटा ऐसा काम करो कि जिसे माँ बहन बैठ के वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, बिहार में रैप तो चलेगा नहीं और क्लासिकल सॉन्ग तो कोई सुनेगा नहीं, तो मेरे को लगा कि सबसे अच्छा गीत का प्लेटफॉर्म है और काफ़ी माता बहनें जो पसंद करते हैं और जिसका माता बहन का आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत ऊँचा तक जाता है। बस उसी प्लेटफॉर्म को लिया और बहन को मैं सिखाना मतलब शुरू किया। लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी मेहनत किए और इसको अभी भी गाना घर से गाती है, माइक द्वारा गा के हम लोग कहते हैं विदाउट म्यूजिक, और कभी कभी म्यूजिक से करते हैं तो अच्छे व्यूज अच्छे आते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है और उसी हौसला के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है सर कर देता हूँ। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि वायरल मतलब अश्लील गाने वाले ही वायरल होते हैं, ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल सर, ये तो मतलब ओब्वियसली बात है कि मतलब जो रफ गाने गाते हैं उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आज तक युवाओं में देखने का वो चीज़ मतलब खूबी मतलब है जो देख पाते हैं। आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अश्लील गाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे, पैसा तो मैं ऐसे भी कमा रहा हूँ, तो मतलब रफ गाना करके क्या करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों भाई बहन का जोड़ी है, ये लोग अश्लील गा ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोग असली गाना गाएंगे, क्योंकि भाई बहन का एक रिश्ता जो होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है और इतने अच्छे जुगलबंदी ये लोग का है। हम चाहेंगे कि आप लोग पास कुछ और है कलेक्शन? हाँ करिए। आते चुके से पोस के से आन कहनिए पापा जी, आते चुके से पोस के से आन कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके धियावा दान कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके बेटिया दान कहनिए पापा जी। आते चुके से पोस के से आन कहनिए पापा जी, आते चुके से पोस के से आन कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके धियावा दान कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके कन्या दान कहनिए पापा जी, दान कहनिए पापा जी, बीरान कहनिए पापा जी, दान कहनिए पापा जी, बीरान कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके धियावा दान कहनिए पापा जी, जांघे बाई ठाके कन्या दान कहनिए पापा जी। क्या बात है, गजब भाई साहब, गाने तो हो तो ऐसा हो और सभी लोग को सुनना चाहिए, जो समाज में बैठ करके एक साथ माँ बहन भाई बहन सब सुन सके, ऐसे गाने होना चाहिए। इन लोग की जुगलबंदी है, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर राय दीजिएगा और इस गाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा मेरी आवाज़, कृपया कर सपोर्ट करेंगे और प्यार दुलार देंगे ताकि मतलब भैया से नेक्स्ट वीडियो मिल सके, आप लोग मौका दीजिए। फिर से एक बार बार प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।